नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। विगत 14 जनवरी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, वो मणिपुर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, नागालैंड, आसाम, उसके बाद वो बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से फिर बंगाल, बंगाल, अब वो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। आज वो रायपुर में अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं। वो राहुल गांधी, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। भट्टा पारसहल में किसानों को, भूमि स्वामियों को उनकी जमीन का वाजिब दाम मिले, इसके लिए वो लगातार लड़े। यहां तक कि अपनी ही सरकार के उस विधेयक को फाड़ दिया, नया कानून आया जिसके तहत भूस्वामी से, पंचायत से हैयामंदी के बाद ही कोई जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, वो भी सर्किल रेट के 4 गुना दाम पर। यह कानून राहुल गांधी की पहल पर बनाया गया और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां भी जा रहे हैं, खास तौर पर अगर हम झारखंड की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, हम आसाम की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, हम नागालैंड की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह वो, उनके पास अगर कोई जमीन संबंधी विवाद पहुंचता है तो वो तत्काल उस पर रिएक्ट करते हैं। आज वो कहीं मंत्री नहीं है, वो कभी मंत्री अभी तक बने भी नहीं है, लेकिन अपनी बस में सवार होकर के, अपनी गाड़ी में सवार होकर के, वहीं से वो फोन करके उस जिले के संबंधित अधिकारियों को बुलाते हैं और ऑन स्पॉट उस जमीन का वारा न्यारा भी करते हैं। यूपी पक्ष है, उसके पक्ष में न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। न्याय यात्रा के दौरान जो कुछ भी वीडियो शेयर हुए, वायरल हुए, उनमें ये सारी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के आ रही है, उनकी बातों को सुन रही है और अपनी समस्याओं का समाधान भी करवा रही है। जगह जगह राहुल गांधी न केवल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि जहां भी वो जा रहे हैं, वहां के कुछ बुद्धिजीवियों से, व्यवसायियों से, कामगारों से, किसानों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं।
कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जहां जहां भी जा रहे हैं या जाएंगे, वहां की जो भी समस्या होगी उसको जोड़कर उसे शायद मैनिफेस्टो में भी शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा आज से 6 दिन के बाद, 5 दिन 6 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यात्रा का सारा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। बनारस में बनारस कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनका रूट निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित रूट के बारे में जानकारी दी है। इसके अनुसार आपको बता दें कि 16 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार होते हुए नौबतपुर चंदौली पहुंचेगी। वहां नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा चंदौली से शहीद स्थल सैयद राजा चंदौली तक राहुल गांधी जी की पदयात्रा होगी। चंदौली में ही वो चंदौली और बनारस के बीच पड़ाव क्षेत्र में वो रात्रि विश्राम करेंगे। वहां से अगले दिन यानी 17 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा पड़ाव से गोलगड्डा यानी कि बनारस पहुंचेगी। बनारस में राहुल गांधी गोलगड्डा से होते हुए विशेश्वरगंज मजागिन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी कि ज्ञानवापी पहुंचेंगे। वे बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में अपना शीश नवाएंगे, बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी का कारवां गदौरिया चौराहे पर पहुंचेगा, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद गदौरिया से वो यात्रा मनवाड़ी चौराहे पर पहुंचेगी, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यहीं से वो बस से पड़ोसी जनपद भदोही के लिए रवाना हो जाएंगे। भदोही में इंदिरा मिल चौराहा पर उनका स्वागत होगा। राजपुरा चौराहे पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर इंटर कॉलेज में वह रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 18 तारीख को यात्रा पुनः शुरू होगी गोपीगंज चौक से। ये यात्रा हंडिया प्रयागराज हरौसा मोर प्रयागराज नासिरपुर प्रयागराज हाथी पार्क मनमोहन पार्क लक्ष्मी चौराहा सुराव तेलियारगंज मालका मऊ आमिया प्रयागराज
रामफल इनारी, यहीं पर रामफल इनारी में रात्रि विश्राम करेंगे। 19 तारीख को भगवान चुंगी चौराहा से उनकी यात्रा शुरू होगी, अंबेडकर चौराहा, लालगंज चौक, अंबेडकर चौराहा से वो होते हुए लालगंज चौक प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ से गांधी इंटर कॉलेज संगीपुर प्रतापगढ़, और उसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी, सरदा तिराहा अमेठी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस गौरीगंज, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ऑफिस गौरीगंज पहुंच करके यात्रा को विश्राम मिलेगा। उसके बाद बाबूगंज कोल के पास एक पब्लिक मीटिंग होगी। तेंदुआ अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। 20 तारीख को फॉरेस्ट जानी अमेठी से यात्रा शुरू होगी। डिग्री कॉलेज चौराहा अमेठी से वो सीधे रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहा से पदयात्रा शुरू होगी। अंबेडकर चौराहा होते हुए नियर सुपरमार्केट पहुंचकर वहां एक जनसभा होगी। आरडीजेएस कॉलेज के पास कुंडागंज बचराउन से होते हुए वे लखनऊ में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो यात्रा का वृत्तांत बताया गया है कांग्रेस कमेटी के द्वारा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, वो इन स्थानों पर जाएंगे। आपको यहां यह भी बता दें कि चंदौली में न्याय यात्रा पहुंचने के बाद सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और कुशीनगर के लोग चंदौली में ही इस यात्रा में शामिल होंगे। वाराणसी में जौनपुर के लोग यात्रा के साथ होंगे। भदोही में मिर्जापुर के लोग होंगे। प्रयागराज में कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा। प्रतापगढ़ में केवल प्रतापगढ़ के लोग होंगे। अमेठी में सुल्तानपुर और अयोध्या अंबेडकर नगर के लोग होंगे। रायबरेली में फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा और लखनऊ में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थ नगर के लोग इस यात्रा में शामिल हो पाएंगे। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी जब 16 तारीख को चंदौली पहुंचेंगे और उसके अगले दिन सुबह बनारस आएंगे, बनारस मतलब काशी विश्वनाथ की नगरी तो है, साथ ही ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इस नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महज राहुल गांधी कुछ घंटे ही रहेंगे। गोलगड्डा पहुंच करके उनकी जो यात्रा शुरू होगी, मैं फिर से बता दूं कि गोलगड्डा से वो सीधे विशेषरगंज, नदागिन, बुरानाला, नीचीबाग चौक होते हुए ज्ञानवापी पहुंचेंगे।
ज्ञानवापी से वो गेट नंबर 4 यानी कि मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दाखिल होंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके वहां से गदौलिया पहुंच जाएंगे। गदौलिया पर एक पब्लिक मीटिंग होगी। पब्लिक मीटिंग के बाद मरवाड़ी चौराहे पर उनका स्वागत होगा। बस इतना ही कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट तय किया है, जो कार्यक्रम तय किया है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि बनारस महज एक पाथवे होगा चंदौली से भदोही और उसके आगे की यात्रा के लिए। यहां कोई ठहराव नहीं है, किसी से कोई मुलाकात नहीं है, न व्यापारियों से, न कामगारों से, न मजदूरों से, न बुद्धिजीवियों से, पब्लिक से भी केवल गदौलिया पर ही उनकी मुलाकात होगी। उनका जो स्वागत का कार्यक्रम है मंगलवाड़ी चौराहे पर, वो कांग्रेस जन करेंगे। यानी इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र काशी बनारस, इसे इतने हल्के में लिया गया है इस न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के, कि इसे लेकर के बनारस में रहने वाले या आसपास के लोग जो राहुल गांधी की यात्रा का सहभागी बनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, यहां के बुद्धिजीवी, यहां के व्यापारी, यहां के उद्योगपति, यहां के कामगार, यहां का मजदूर, यहां का किसान, उनके साथ यहां पर कोई भी मीटिंग उनकी नहीं होगी। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके अनुसार जो जानकारी मुझ तक प्राप्त हुई है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बनारस के उन किसानों को बड़ी उम्मीद थी जो एक लंबे अरसे से ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर के आंदोलित हैं। वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए वो किसान बनारस से चल करके दिल्ली तक जा चुके हैं, राहुल गांधी से मिल चुके हैं। राहुल गांधी उस समय अपने एक विशेष दूत को यहां भेजे थे जो आजकल कांग्रेस में ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही उन किसानों ने बैरवन में एक बैठक की थी और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की हुंकार भरी थी। आज जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम करके किसानों की, गरीबों की, कमजोर तबके की जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में बनारस का किसान राहुल गांधी से शायद नहीं मिल पाएगा, वो अपनी बात नहीं कह पाएगा। क्या यह सही होगा? कांग्रेस ने जिस तरह से यह कार्यक्रम तय किया है उससे कांग्रेस के ही बड़े तबके में निराशा भी है, नाराजगी भी है। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो बनारस में उनसे मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, बनारस की समस्याओं की जानकारी देना चाहते थे, लेकिन वे लोग शायद
बनारस में राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे। इसमें एक जत्था सरसेवा संघ का भी है, वो भी उनसे मिलने की कोशिश में था। वो सरसेवा संघ जो गांधी की विरासत को संभाले हुए था, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, सर्वसेवा संघ परिसर में स्थित पुस्तकालय वाचनालय में रखी गांधी से जुड़ी हुई, गांधी के जीवन से जुड़ी हुई, उनके विचारों से जुड़ी हुई, उनके दर्शन से जुड़ी हुई किताबें, हजारों लाखों किताबें खुले मैदान में फेंक दी गई। लेकिन आज उनको भी शायद, जब वो अगले शनिवार को बनारस में होंगे, तो उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिलेगा। हम सभी काशीवासी ये चाहते थे कि वो अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचाएं और उनकी आवाज को राहुल गांधी देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। वो जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसमें काशी को भी शामिल किया जाए। काशी के स्कूलों की रक्षा हो सके, जिन्हें विकास के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को उम्मीद थी, वहां के छात्रों को उम्मीद थी कि वो अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खैर, जिस भी कारण से बनारस के पाथवे से होकर राहुल गांधी को गुजरा दिया जाएगा, उसे लेकर के काशीवासियों में पीड़ा जरूर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस संबंध में बातचीत की और अपना दर्द शेयर किया। हो सकता है उनमें से कुछ लोग अब चंदौली जाकर के उनसे मिलने की कोशिश करें, ज्ञानपुर भदोही जाकर के उनसे मिलने की कोशिश करें, लेकिन काशी में ऐसा नहीं होगा। ये किस रणनीति के तहत बनाया गया प्लान है, ये समझ के बाहर है। एक बड़ा सेंटर है, बड़ा पॉलिटिकल सेंटर है वाराणसी, न केवल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते, बल्कि अपनी खास जो पहचान है विद्वत्ता की, संस्कृति की, सभ्यता की, गंगा जमुनी तहजीब की, वो शहर बनारस अपनी व्यथा कथा राहुल गांधी के साथ शायद शेयर नहीं कर पाएगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी जानकारी देना था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी
इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।